तो गाइस हमारे पास ऐसे भी मजदूर है जो ईद के दिन भी काम करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, ईद मुबारक। तो आज मैं 3 बजे दूध दे के आ गया हूँ और अभी चलते हैं, देखते हैं कि नमाज में कितना टाइम है। ईद नमाज में तो टाइम हो रहा है, आधा घंटा है, तो चलो चलते हैं, नहाते धोते हैं और चलते हैं ईद नमाज पर। ठीक है, तो लेट्स गो। तो गाइस मेरे कपड़े हैं हाफ वाइट, पूरा टेलर के पास से लेके आया था। एक दिन में बेचारे ने मुझे सी के दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी लिया था इसीलिए। तो रात को ये लेके आया था। कैसे लग रहा हूँ? झकास यार, देखता हूँ कि मेरे जो बदन में अभी भी जो बदबू है वो फैल रही है, इसीलिए लगाते हैं अत्तर। तो देखें अत्तर है कि नहीं। वैसे तो मेरे पास 3-4 अत्तर हैं, देखते हैं कौन सा हमें पसंद आता है वही लगाएंगे। तो चलो चलते हैं अपनी तिजोरी में। मैं अपने भाइयों से भी ये छुपा के रखता हूँ, किधर गया। एक ये है और ये है परफ्यूम, एंटिक परफ्यूम है जो मैं कम चलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चलाता हूँ। और एक ये है, ये हैं चारों अत्तर और ये है मेरा ख़ज़ाना। तो आज इसे ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा फ्रेगरेंस इसकी अच्छी है, इसकी खुशबू अच्छी है, इसीलिए इसी को लगाते हैं। तो अभी मैंने अत्तर लगाया और चलते हैं नमाज पर। तो अभी का टाइम हुआ है 7:40 या 7:50। तो चलो चलते हैं नमाज पर, और नमाज भी पढ़ना लाजमी है क्योंकि। तो चलो गाइस चलते हैं ईद नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ। तो लेट्स गो गाइस। अभी पता चला है कि जो ईद नमाज का जो टाइम था वो 8:30 बजे था, मैं 8 बजे चला गया। बट क्या करते हैं, चलते हैं घर वापसी। कोई भी नहीं था मस्जिद में, इसीलिए चलते हैं घर वापसी। इस जो 8:30 बजे यहाँ 8:20 पर चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो चलो अभी चलते हैं घर। तो गाइस अभी 8:20 हो गए हैं, अभी चलते हैं नमाज की तरफ, शायद देर हो गई है। तो लेट्स गो, भागते हैं और चलते हैं नमाज की तरफ, क्योंकि नमाज पढ़ना तो लाजमी है बेटे। और फाइनली अभी हो गई है नमाज, तो अभी चलते हैं घर पर, देखते हैं कि घर पर क्या सीन है और क्या पक्का है। अभी तक तो मुझे पता है कि कुछ भी नहीं पक्का होगा, पर देखते हैं, ट्राई तो करते हैं और देखते भी हैं तो क्या क्या चीज़ें पक्की हैं कि नहीं। तो लेट्स गो। तो यार ईद वाली वो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि कोई हमें ईद देता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने बिस्तर पे जाके सो जाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कोई ईद देता ही नहीं, इसीलिए हमें ईद वाली वो फीलिंग नहीं आ रही। पहले जो छोटे थे तब वो ईद वाली फीलिंग आती थी, अभी वो नहीं आती, तो क्या करें, इसीलिए सो जाते हैं। छोटे थे तो 50 रुपये अम्मी देती थी, 100 रुपये अबू देता था ईद जो घूमने जाते थे शहर। अभी तो कोई ईद भी नहीं रह रहा। तो हेलो बिस्तरे, ईद मुबारक यार, छोड़ खत्म। One hour later. यार अब मुझे तो कोई ईद ही नहीं दे रहा, इसीलिए मेरे कुछ सेविंग किए पैसे हुए, पैसे पड़े, सेव किए पैसे पड़े जो मैं अपनी सेविंग करता हूँ, उसी से उठाते 100 रुपया और चलते हैं कुछ खाने पीने। अभी तक घर में तो कुछ पक्का भी नहीं है, इसीलिए 100 रुपया उठाते हैं और बोतल पीते हैं और क्या करें, ये कुछ करने को है नहीं। आम सा दिन है, ईद का दिन भी आम सा दिन है, जैसे घर पे आता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं और कोई ऐसी की चीज़ नहीं जो हम करें। फिर भी ईद को ईद की तरह मनाते, ईद के दिन की तरह मनाते। चलो चलते हैं बाहर और पीते हैं एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक, और ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक शीशे वाली, इसको पीते हैं यार, क्या खाएं, ईद तो मनानी है वैसे भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइस अभी भी 50 रुपये बचे हैं, तो इसको भी खर्च करेंगे, बट कम देखते हैं कि कहाँ खर्च करेंगे। तो अभी यहाँ पे मुझे एक रोटी और शायद मुर्गी का सालन मिला है, तो ये खाते हैं और अपना दिन गुजारते हैं। बोरिंग दिन है।
आज का दिन सबके लिए जो होता है सो होता है, नॉर्मल दिन नहीं होता, एक्साइटमेंट के सबको, मेरे लिए ये बोरिंग दिन है। तो गाइस हमारे पास ऐसे भी मजदूर है जो ईद के दिन भी काम करते हैं। ये भाई साहब घर से बाजार से खिलौना लेके आया और अभी तक ये काम वहाँ से जैसे ही लेके आया ये काम करने लगा। ये देखिए हमारे घर में ऐसे भी मजदूर है, आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस अभी लेके जा रहा हूँ मामू की मानी, तो दुकान पे खड़ा है उसी के लिए मानी लेके जा रहा हूँ, चलो चलते हैं उसको मान देते हैं। तो गाइस अभी चल रहा हूँ अपने रिलेटिव के घर, क्योंकि उन्होंने भी मिलना ज़रूरी है, तो चलो चलते। और मेरे कजिन्स भैंस की टांगों को भी साफ कर रहे थे जो काटी हुई टांगे थी। तो गाइस अभी मैंने कपड़े बदल लिए और आज का दिन जो था बोरिंग था, इस बोरिंग इनको भी हमने कुछ अच्छा किया और अपने रिलेटिव से मिले, अपने मेहमानों से मिले। तो व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।